Hello friends, welcome to Finance MCQ. फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएल में आई हुई वेरियस वैकेंसीज के बारे में फ्रेंड्स यूपीपीसीएल ने असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 240 जिसमें से अनरिजर्व के लिए 109 वैकेंसीज हैं वैकेज के लिए 24 हैं और बाकी कैटेगरीज के लिए रिमेनिंग वैकेंसीज हैं तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं इसमें क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा क्या एग्जाम्स रहेंगे उन सब के बारे में फ्रेंड्स जो इसमें आपका पैक पे रहेगा वो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड से नाइन्टी फोर थ्री हंड्रेड के बीच में होगा और इसके लिए जो उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है फॉर द पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए वो है वाणिज्य में स्नातक डिग्री सो so दैट इज योर बी कॉम की डिग्री सो so, अगर आपके पास में बी कॉम की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए और एज लिमिट एज ऑन फर्स्ट जुलाई इक्कीस को मांगिए मिनिमम ट्वेंटी वन ईयर्स और मैक्सिमम फोर्टी ईयर्स के लिए है सो so, काफी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें सो so, उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन सी के बेस पे होएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होएगा कोई इंटरव्यू नहीं होएगा इधर अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होगा और उसमें क्या क्या रहेगा सो so, इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें आपके दो पार्ट में एग्ज़ाम होंगे पार्ट वन में फिफ्टी क्वेश्चन होंगे और पार्ट टू में वन फिफ्टी क्वेश्चन होंगे सो अगर मैं शॉर्ट समरी में बताऊँ सो पार्ट वन में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और पार्ट टू में आपके 150 फिफ्टी क्वेश्चन होंगे अभी ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका बेसिकली आपका कंप्यूटर नॉलेज को चेक करेंगे इसमें सो so, 50 क्वेश्चन सारे रिलेटेड टू कंप्यूटर होंगे और वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही रहेगा और जो सेकंड पार्ट है वो उसमें आपके तीन अलग अलग पार्ट्स हैं फर्स्ट आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होगा दूसरा अर्थमेटिक होगा और तीसरा है जो आपका सिलेबस के रिगार्डिंग होगा दैट इज अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में होगा ग्रेजुएशन लेवल तक का जो सिलेबस होता है इन तीनों सब्जेक्ट्स का उसमें से आएंगे अभी अकाउंटेंसी और इन सब में क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी एक बार डिटेल में इन्होंने दे रखा है तो काफी अच्छी बात है कि इधर ही इन्होंने मैंशन कर दिया है सो so, आपके अकाउंट्स में पहला रहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फिर डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग सिस्टम बैंक रिकन्सिलेशन रेक्टिफिकेशन बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन सो काफी सिंपल सिलेबस इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है यार इजीली मैनेज हो सकते हैं ये सब फिर दूसरा है हमारा ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर और फिर इनकम टैक्स है इनकम टैक्स में प्रोविजंस प्रिटेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरीज प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर सिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन सो चैप्टर सिक्स बेसिकली डिडक्शंस के बारे में बात करता है जो हमारे वेरियस डिडक्शन है ना ए टी सी ए टी डी ए टी जी वो सब सो so वो सब यहाँ पे पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद में प्रोविजन रिलेटेड टू टीडीएस फॉर्म्स टू बी फाइल्ड विथ इनकम टैक्स एक्सेट्रा सो सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है मैनेजेबल है और इजिली हो सकता है सो so जो भी फ्रेंड्स जिन्होंने बी कॉम किया हुआ है और एलिजिबल होते हैं दे शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा और मैक्सिमम वन फिफ्टी मार्क्स के रहेंगे और हर गलत आंसर पे वन फोर्थ मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी और जो फर्स्ट पार्ट में आपका कंप्यूटर का एग्जाम होगा उसके मार्क्स आपके कैलकुलेशन में नहीं जोड़े जाएंगे सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है आपका कंप्यूटर वाला उसमें जस्ट आपको पास होना है और सेकेंड वाले जो पार्ट टू है जिसमें आपका ये इंग्लिश अर्थमेटिक और ये अकाउंट्स के रिगार्डिंग के सब्जेक्ट हैं इसके ही मार्क्स के बेसिस पे आपकी लिस्ट लगेगी और हर क्वेश्चन के लिए वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग है सो डू कीप दिस इन माइंड अभी कहाँ पे एग्जाम होंगे तो एग्जाम लखनऊ में मेरठ आगरा और वाराणसी में ही होंगे उसके अलावा शहर में नहीं होंगे तो अगर आप यूपी के हैं और एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए और अभी अगर हम लोग बात कर एप्लीकेशन फीस की सो फ्रेंड्स रिजर्व कैंडिडेट के लिए फीस है एप्लीकेशन इंक्लूडिंग जी एस टी और अनरिजर्व और ईडब्लू एस के लिए है नो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है ग्यारह सो अस्सी रूपए सो इतना आपका एप्लीकेशन फी होगा और आपको यूपी पी सी एल की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इसके लिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो एप्लीकेशन फाइल करने में तो आप इस ईमेल एड्रेस पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अभी हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस शुरू होगी 8 अक्टूबर 2021 से और 28 अक्टूबर 2021 तक चलेगी सो so, ऑलमोस्ट 20 दिन का टाइम मिलेगा एप्लीकेशन भरने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बता रखा कि एग्जाम कब होगा सो so, फ्रेंड्स एग्जाम दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में सो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपका ये एग्जाम हो जाएगा सो so, काफी अच्छी बात है ऑलमोस्ट आपके पास में दो से सवा दो महीने का टाइम है प्रिपेयर करने का और सिलेबस को देखते हुए काफी इजी और मैनेजेबल सिलेबस है और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं सो so, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी यूपी के हैं और जिन्होंने बीकॉम कर रखा है और जो यूपीपीसीएल में जॉब करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस पोस्ट को फिल करें क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड